और वो त्याग जरूरी है, साधना के माध्यम से आगे बढ़ना है। तो अगर नहीं होते तो हम हमारे ऋषियों को भी देखा है, आज चाहे हिरण्यकश्यपु राक्षस भी क्यों ना हो, उसकी पत्नी जब घर पे थी तो उसको इंद्र ने उठा लेने के लिए गया, लेकिन नारद ने आकर उनकी रक्षा की। ऐसा कोई ऋषि नहीं जो जंगल में तपस्या के लिए गया हो और उसकी पत्नी कुछ न कुछ कष्ट नहीं अनुभव की हो। हमारे सामने हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव और माता जी ने भी उनके जीवन में जब तांत्रिक सिद्धियां पुस्तक पढ़ते हैं या उनके वो खत को उन खतों को पढ़ते हैं जो उन्होंने माता जी को लिखा, तो सचमुच आंखों में आंसू आते हैं कि हमने क्या कष्ट अनुभव किया। कुछ नहीं, फैन के नीचे बैठकर साधना करने में भी हमें तकलीफ अनुभव होती है, जबकि उन्होंने मुझे जब ये लगा कि उनके सास ससुर के पास जब बढ़ती थी माता जी बैठती थी तो माता जी को बैठने के लिए भी समय नहीं मिलता था, इतना व्यस्त रहती थी, सुबह से शाम तक रात के 12 बजे तक काम करना पड़ता था। ये गुरुजी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये उन्होंने अपने जीवन में ये सब कुछ भोगते हुए अपने पति को सक्षम बनाया, अपने पुत्रों को सक्षम बनाया, अपना घर चलाया और बाद में अपने शिष्यों को भी उन्होंने उतना ही प्यार दिया, उतना ही सब कुछ दिया। इसलिए हम आज माता जी के जन्मदिन के ऊपर एक बार तालियां बजाते हुए माता जी